नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही मैजिकल पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ। एक मैजिकल हर्ब जो कि हर्ब ऑफ एबंडेंस कहलाती है। तो वो हर्ब कौन सी है, देखिए पहचानिए इसको, क्या है? पुदीना, मिंट। घर घर में मिंट मौजूद होती है। मिंट की हम चाय पीते हैं। बहुत सारा पुदीने का हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, रायता बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, क्या क्या चीज नहीं हम पुदीने की बनाते। पर ये एक ऐसी हर्ब है, ये एक ऐसा पौधा और पत्ता है जिसको कि हम हर्ब ऑफ अबंडेंस भी बोलते हैं। यानी पुदीना पैसे को भी खींचने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या जो मैजिकल जो स्पेल्स होती हैं उनमें एक बहुत ही पावरफुल ये हर्ब है जिसको कि पैसे को खींचने के लिए हम जो स्पेल्स करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यानी घर में हमको अगर मनी अट्रैक्ट करना है तो इस पुदीने से हम कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। मैजिकल स्पेल्स की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें वही हर्ब्स यूज होती हैं जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में शामिल हैं। ढेर सारी हर्ब्स हम जानते हैं, हम जिंजर यूज करते हैं, हम बेसिल यूज करते हैं, हम मिंट भी यूज करते हैं। सारी ये चीजें हम रोज यूज करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें जो ये हमारे लिए गुड लक लेके आने लगे, अच्छा हमको सौभाग्य देने लगे, हैप्पीनेस देने लगे, पैसा हमारे लिए खींचने लगे। तो आज मैं आपको बता रही हूं मिंट के बारे में, पुदीने के बारे में, कि कैसे इसकी क्या क्वालिटीज हैं और कैसे आप इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पुदीना एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत पैसा खींचता है। तो सबसे पहला जो आपको इसका इस्तेमाल करना है वो ये कि जब भी आप पुदीना घर में लेकर आए तो उसको गमले में लगा दें, मिट्टी में लगा दें आप उसको। जितने दिन वो हरा रहे तो ठीक है, अगर हरा नहीं होता है तो फिर यूज उसको हटा के दूसरा लगा दीजिए, या फिर एक परमानेंट पुदीने का पौधा जरूर लगा लीजिए घर में। किसी गमले में लगा दें या मिट्टी आपके यहाँ बगीचा है तो बगीचे में पुदीना जरूर उगाएं अपने घर में। पुदीना उगाने के बहुत फायदे होते हैं। पुदीना की जो हरी पत्तियां हैं, देखिए इसकी जो हरी हरी ये जो पत्तियां हैं ये मनी को रिजेम्बल करती हैं। ये मनी सिंबॉलिकली ये मनी को दिखाती हैं, हरी पत्तियां। तो आपको पुदीना अपने घर में जरूर लगा लेना है। आप इस्तेमाल भी उसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने मनी के लिए यूज किया है तो आप इस्तेमाल ना करें, आपको इस्तेमाल भी करना है। आप उसको लगाकर अपने बगीचे में जरूर लगाइए। दूसरी चीज जो मैं आपको पुदीने की बता रही हूं वो है पुदीने की पत्ती को अपने पर्स में जरूर रखिए। पुदीने की पत्ती को चाहे आप सुखा कर रख लें, चाहे आप ताजा फ्रेश 2 लीव्स लेकर अपने वॉलेट में रखने की नियम बना लीजिए। चाहे आप पर्स में रखें, वॉलेट में रखें, जरूर रखिए। जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर पुदीने की पत्ती को लेकर ऐसे घिस दीजिए। मान लीजिए आप लॉकर में जहां पैसा रखते हैं आपने 2 पत्ती ली और ऐसे ऐसे करके उसको घिस दीजिए, अपने लॉकर के ऊपर घिसिए। मतलब पुदीने का जो अर्क है वो आपके लॉकर में आएगा, खुशबू उसकी आएगी। तो आप वैसे ऐसे ऐसे घिसके और 1-2 पत्ती वहां रोज रखें, नियम रख लीजिए। जब अपने घर में ही एक फ्रेश पुदीना होगा तो हम उसकी 2 पत्तियां रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में बहुत बड़ा सा पौधा मैंने लगा रखा है, आप लोग भी लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रोज 2 पत्ती उसकी तोड़कर अपने वॉलेट में रख लें, 2-3 दिन उसको रखी रहने दें और 2-3 पत्तियां अपनी कैश बॉक्स में रखें। अगर आपका बिजनेस है और ड्रॉअर में आप पैसा रखते हैं, दुकान है आपकी, तो वहां पर 2 पुदीने की ताजी पत्तियां आपको रोज रखनी है। पहले घिस दें, 2 पत्तियों को वहां घिस दें और 2 पत्तियां वहां पर जरूर आपको रख लेना है। तो ये आपके लिए हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज जो आपको बताती हूं वो है, देखिए आपको इस तरह से एक छोटा सा गमला ले लेना है, छोटा सा बिल्कुल, जिसको डेकोरेटिव बाउल भी बोलते हैं, उस तरह से आप ले लें। आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी भरनी है, मिट्टी में 1 का सिक्का दबा देना है, 1 रुपया है ये। इस तरह से आपको 1 का या 2 का जो सिक्का हो वो सिक्का लेकर इसमें पहले मिट्टी के नीचे दबा देना है आपको, और मिट्टी के नीचे दबाने के बाद आपको ऊपर से ये पौधा लगा देना है। तो आप क्या करेंगे, मिट्टी में अंदर नीचे सिक्का आपका दबा रहेगा और ऐसा आपका पौधा ऊपर लगा रहेगा। और इस पौधे को आप रखेंगे अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी होती है धन दौलत की डायरेक्शन होती है, हमारी लाइफ में वेल्थ और एबंडेंस लाने वाली डायरेक्शन होती है। तो आपको बस छोटा सा डेकोरेटिव बना लीजिए, 1 का इस तरह से सिक्का दबाकर और ऊपर पौधा लगा के, और कहीं भी इसको सजाकर आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है।
ये दिखाता है कि आपका पैसा दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि करेगा, क्योंकि नीचे सिक्का दबा हुआ है। हम इसको सिंबॉलिक यूज करते हैं कि आपके मनी धन दौलत आपका ग्रो हो रहा है। जैसे जैसे ये पौधा, पुदीने का पौधा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके भी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होती रहेगी। तो इस तरह से हम एक छोटी सी रिचुअल करते हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रख देते हैं। साउथ ईस्ट चाहे आपका कहीं भी पड़ता हो, चाहे आप अपने लिविंग रूम में रख दें इसको, या प्रॉपर साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वहां, पूरे घर की जो साउथ ईस्ट है वहां पर रख दें, और या फिर आप अपने लिविंग रूम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको ऐसा पुदीना एक छोटा सा बाउल में रख के और 1 रुपया उसके अंदर दबा रहने देना है। जब आप, अगर आपका ये पौधा सूखने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पौधा रिप्लेस कर दें, ऊपर से हटा दें और दूसरा पौधा लगा दें। मतलब एक ना एक हरा पौधा आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पुदीने का लगा रहे, तो आपको बहुत आमदनी आपकी बढ़ेगी। ये एक बहुत पुराना रिचुअल है धन दौलत को बढ़ाने का, अपने घर में सुख समृद्धि लाने का तरीका है ये। तो ये हो गई मेरी 3 टिप। अब जो चौथी टिप जो पुदीने की है वो है, इस पुदीने की पत्तियां सूखी हुई वो आपको इस्तेमाल कर, या तो आप ये कर सकते हैं कि जो पुदीना आपके घर में ही सूख रहा है तो आप उसको अलग निकाल कर सुखाते जाइए, सुखाने के बाद में इकट्ठा रख लें, या फिर मार्केट में भी आजकल जो हर्ब्स की दुकानें होती हैं वहां पर मिलता है, आप पैकेट एक ले लीजिए सूखे पुदीने का, आपको हर्ब्स मिल जाएंगी। तो वो पैकेट लेकर घर में आपको पुदीने का धुआं करना है, क्योंकि पुदीने में वो एनर्जी होती है, मनी अट्रैक्शन वाली एनर्जी पुदीने में होती है। तो आप पुदीने को जब घर में जलाएंगे तो मनी की एनर्जी आपके घर में जनरेट होगी। तो आपको क्या करना है, पुदीने एक बाउल में लेकर, कटोरी में या किसी में भी लेकर, पुदीने की कुछ पत्तियों को, 2 4 6 पत्तियां लेकर उसका धुआं करना है। धुआं आप कहाँ कहाँ करेंगे, खास तौर पे लॉकर पे जहां आप पैसा रखते हैं, ड्रॉर में जहां आप पैसा रखते हैं, ऐसे ऐसे कोने में आप जरूर घुमाइए, क्योंकि पुदीने की और भी 2 3 क्वालिटी हैं। अकेला पुदीना रुपए नहीं खींचता है, अबंडेंस नहीं लाता, प्रोटेक्शन भी करता है। आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी होगी वो भी रिलीज हो जाएगी। जब आप पुदीने का धुआं करने लगेंगे तो हर तरह की निगेटिविटी रिलीज होके मनी अट्रैक्शन वाली वाइब्रेशंस पैदा होंगी। पुदीना जो है वो लव अट्रैक्शन में भी यूज होता है। अगर घर के लोगों में प्यार नहीं है, मेलजोल से नहीं रहते हैं, तो वो भी एनर्जीज पैदा होंगी। तो पुदीने की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, अनेकों हर्ब हमारी किचन में ही मौजूद होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके अपने लिए सुख समृद्धि सब कुछ ला सकते हैं। तो ऐसी ही ये हर्ब है पुदीना, जिसको कि यूज करके आप अपने प्रॉस्पेरिटी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी आसान सी टिप्स हैं जिनको इजीली हर व्यक्ति कर सकता है, और धीरे धीरे परिवर्तन देखने का प्रयास करें कि कैसा कैसे आपके घर में धीरे धीरे, आपके बिजनेस में, आपके प्रॉस्पेरिटी में चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो साथियों, ये मैंने आज आपको पुदीने के बारे में बताया। कुछ और आप मुझसे जानना चाहें तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। थैंक यू।